हेलमेट के, उन पर किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है टीम की तरफ से? उनके चलान किए जाते हैं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, जो उसका चलान बनता है ट्रिपलिंग है तो ट्रिपलिंग आ जाते हैं, बगैर हेलमेट और बगैर हेलमेट का, बगैर सेफ्टी बेल्ट है तो चलान बनता है, वो कर देते हैं। तो फिलहाल अगर जितने भी शहरवासी आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं महकमे की तरफ से, आपकी टीम की तरफ से? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। जय हिंद, जय भारत। मैं चिराग शर्मा, इस समय हिसार की सड़कों पर एक ऐसी टीम और एक ऐसा संगठन आपकी इंतजार में खड़ा है कि आप एक बार तो तोड़िए, बस एक बार तोड़ दीजिए। आम जनता से कहीं ना कहीं वो नहीं कह रहा, पर वो वेट कर रहा है आपकी कि एक बार तोड़ दो। अरे तोड़ तो दो, बाकी हम देख लेंगे। जी फिलहाल यातायात नियमों को एक बार तो तोड़ दो, फिर टीम आपका इंतजार कर रही है। इस समय हिसार के मुख्य चौक पर खड़ा हूँ, नाम नहीं बताऊँ क्योंकि हिसार के हर चौक पर ऐसी टीम आपको देखने को मिलेगी। और अगर बात करूँ हिसार के सभी अगर कर्मचारी, चाहे वो होमगार्ड के हों या फिर पुलिस प्रशासन के, धड़ाधड़ चलान पर चलान, चाहे वो व्हीकल फोर व्हीलर क्यों ना हो, चाहे वो टू व्हीलर क्यों ना हो, इस समय हालात देख पा रहे शहर के कुछ कमी है। जनता में भी कहीं ना कहीं सचेतता को लेकर अगर आप सभी डॉक्यूमेंट पूरे रखेंगे, हेलमेट का प्रयोग करेंगे, अगर टू व्हीलर पे हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको रोक सकता है, तंग नहीं कर सकता किसी भी प्रकार से, ना ही आपका चलान कर सकता। सो फिलहाल ऐसी गलती न करें कि आपकी एक गलती या आपकी जेब पर भारी पड़ जाए। सो फिलहाल अगर बात करूँ, टीम देख सकती है जो यातायात नियमों की उल्लंघना करते हुए नजर आ रहे थे, उनके धड़ाधड़ चलान पर चलान काटे जा रहे हैं, वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। सो तस्वीरों को अच्छी तरह से देख लें, ऐसी कोई भी टीम, हो सकता है ये चौक ना हो, अगला चौक हो, उससे अगला चौक हो, एक टीम आपका इंतजार कर बैठी है। जिस प्रकार से बिल्ली दूध पर नज़र नहीं रखती, उसी प्रकार से नकेल कसी हुई है धजिया उड़ाने वालों पर, यातायात नियमों की, जो धजिया उड़ाते फिरते, चाहे वो ट्रिपलिंग क्यों ना हो। देख सकते हैं नाम लिया ट्रिपलिंग, हाजिर, तस्वीरें देख पा रहे ठीक सामने, बिल्कुल ठीक सामने, ये शहर के हालात है। कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, प्रशासन का सहयोग करें, कंधे से कंधा मिलाकर गलती न करें, आपकी एक गलती आप पर भारी पड़ सकती है। बिल्कुल ठीक सामने देख पा रहे हैं, और अभी भी माशे हैं जो तीन तीन बैठ कर आए हैं, वो कुछ समय पहले बूढ़ी पट्टा करवा कर आए हैं, ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। सो फिलहाल एक बार सर मौजूद है और उनसे भी वार्तालाप करने की कोशिश जरूर करूँगा और जानूंगा कि किन किन चीज़ों के अभाव में चलान काटे जाते हैं। अगर सभी डॉक्यूमेंट पूरे हैं, टू व्हीलर पर है, हेलमेट लगा रखा है, तो क्या उसका भी चलान कर सकते हैं किसी और चीज़ का? सो फिलहाल ऐसे दर्जनों सवाल शहरवासियों के जो प्रशासन तक सीधा पूछाए जाएंगे, जो कर्मचारी अधिकारी समय यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात है। नमस्कार जी। तो जी एक बताइए, जो जितने भी लोग हैं जो ट्रिपलिंग कर रहे हैं बगैर हेलमेट के, उन पर किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है टीम की तरफ से? उनके चलान किए जाते हैं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, जो उसका चलान बनता है ट्रिपलिंग है तो ट्रिपलिंग आ जाते हैं, बगैर हेलमेट और बगैर हेलमेट का, बगैर सेफ्टी बेल्ट है तो चलान बनता है, वो कर देते हैं। तो फिलहाल अगर जितने भी शहरवासी आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं महकमे की तरफ से, आपकी टीम की तरफ से? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट लगा कर फोर व्हीलर चलाए, टू व्हीलर पर तो हेलमेट लगाए, ट्रिपलिंग सवारी न करें, धन्यवाद, और रॉन्ग साइड न चले, रॉन्ग पार्किंग न करें, अपने कागजात है पूरे रखें, तो यही है, यही अपील है। धन्यवाद सर। सो फिलहाल ऐसे कर्मचारियों के, चाहे पुलिस प्रशासन के हो या फिर होमगार्ड के, कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करें, आपकी एक गलती आप पर भारी पड़ सकती है। सो ऐसी गलती न करें, कृपया कर वीडियो को शेयर करें, हिसार के हर चौक पर तैयार हो जाइए, आपकी एक टीम वेट करती इंतजार करती हुई नजर आ रही है। सो फिलहाल इनके लिए भी एक सल्यूट बनता है, क्योंकि अपना कार्य कर रहे हैं, अगर कुछ कमी होगी तभी आपको रोका होगा, अन्यथा आपको रोकने का ना ही कोई शौक और ना ही कोई मजा। सो वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय रखें कि आपका क्या मानना है।